यूपी सरकार का नया फैसला, खेतों में ब्लेड वाला तार लगाने पर किसानों को हो सकती है जेल। जी हाँ, आपको बता दें, खेतों में ब्लेड वाली तार लगाने पर जेल जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, फसलों को जानवरों से बचाने के लिए खेत में लगाए जाने वाले कटीले तारों की वजह से अक्सर जानवर घायल हो जाते हैं, जिससे जानवरों की जान जाने की संभावना रहती है। इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने फैसला सुनाया है कि जानवरों को खेत से बचाने के लिए किसान साधारण रस्सी का प्रयोग करे। अगर इस नियम का कोई भी उल्लंघन करता है तब उस पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ किसानों को आर्थिक तौर पर परेशानियां बढ़ने लगी है। एक तरफ फसल बचाने के लिए मौसम की मार, तब वहीं फसल में पशुओं के घुस जाने से फसल खराब होने तक का सामना किसान को करना पड़ता है। कटीले तार नहीं भाई, बंद होने के जोड़ से कोठी में बैठ के कटीले तार लगा रहे। मतलब कटीले तार नहीं, ब्लेड वाले तार। हमारे लिए तो ब्लेड वाले तार आदमी के लिए, और पशु के लिए कटीले तार भी बंद। मतलब पशु रस्सी से रुक जाएगा और आदमी कटीले तार से रुकेगा। ऐसा क्या कलयुग आएगा देश में? ब्लेड वाले तारों पे बैन रहना चाहिए। सरकार अगर इस पे एक्शन लेती है तो आप क्या करेंगे? पैसा मिलना चाहिए। अगर कटीले तारों पर सरकार सख्त होती है तो उसमें आपका क्या कदम होगा? किसानों से भी सख्त होगी क्या सरकार? भाई पशु तार नहीं हटेगा भाई, ब्लेड वाले तार को हटना चाहिए, कटीले तार कोई नहीं हटेगा। थाने में जाएंगे पशु भाई, पशु फिर और किसान लेके जाएगा और क्या? एसडीएम के वहाँ जाएगा, डीएम के वहाँ जाएगा, उसको छोड़ेगा खेत में नहीं, पशु रहने का विभागों में रहेगा पशु, और उसको फिर रस्सी से रोक कर दिखा देते। पशु घूम रहे हैं, छोटा जाना जो घूम रहे हैं उनके लिए, अरे उनको भी अपना ये भाई। देखो थानेदारों को जिम्मेदारी दे रखी है सरकार ने कि बड़ी गौशाला में लेकर जा सकते हैं, तो थानेदारों को सब थानेदारों के पास में फंड आ गए, तो नजदीक के थाने में पशु को लेकर चले जाओ, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे बड़ी गौशाला में भेजने का काम करें। थैंक यू।